हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरीबा कढ़ाई। तो आज हम बनाएंगे वाइट चिकन पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है, जो अच्छे से वॉश कर लिया है। ये 1 किलो चावल हैं, जो मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रखे हैं। ये 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 15 से 20 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 10 से 15 लौंगे और 10 से 15 इलायची। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जो रफली चॉप्ड कर ली हैं। 2 टेबलस्पून नमक। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा ये धनिया और सौंफ जो है, इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपने जार में धनिया और सौंफ डाल लिया है। अब इसमें मैं जो हरी मिर्चें मैंने ली थी, उसमें से आधी मैं हरी मिर्चें इसमें डाल के ग्राइंड करूँगी, और साथ साथ मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, और सबको मैं साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ ना हो, तो आप साबुत लहसुन और अदरक लेके इसके साथ ही पीस लें। ये देखिए, हमने सब कुछ ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, मैंने अपने वैसल के अंदर, बड़े से भगोने के अंदर, मैंने इसमें 1 कप भर के ऑयल डाल लिया है। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा ही जाएगा। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। प्याज को हमें अपनी गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करूँगी अभी 2 मिनट बाद। ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, और साथ साथ मैं इसमें लौंगे इलायचियाँ दोनों ऐड कर दूँगी। अब हमें अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था, मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। नमक भी हम इसमें साथ साथ ऐड कर लेंगे। अब जो बची हुई हरी मिर्ची थी, वो भी मैं इसमें साथ साथ ऐड कर लूंगी। हमें अपने इस मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सबको। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड करूँगी। हमें चिकन को मसाले के अंदर अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, 5 से 7 मिनट चिकन को भूनते हुए हो गए हैं, और चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर लूँगी। मैं चावल ऐड कर लूँगी अब। हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 ग्लास पानी डाला है मैंने इसके अंदर। अब पानी हमें इस तरह से चेक करना है, ये उंगली की ये पोर जो होती है, एक पोर ये है हमारी, तो हमें ये पोर हमारी पूरी डूब जानी चाहिए इस तरह। ये देखिए, मेरी पूरी पोर डूब रही है, तो इतना पानी डालना है हमें इसके अंदर। इस पॉइंट पे आप अपना नमक चेक कर लें, अगर आपको फीका लगे तो आप डाल दें, मैं भी डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चलिए, अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं अपने। ये देखिए, चावलों में पानी अभी भी है, तो जब तक हमारे चावलों का पानी खुश्क ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। जब इसका पानी पूरा खुश्क हो जाएगा, तब हम इसे दम पे लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे आप अपनी मीडियम को फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। चलिए, अब हम खोल के देखते हैं कि पानी खुश्क हुआ है या नहीं। ये देखिए,
ये देखिए पानी कितना अच्छे से खुश्क हो गया है सारे चावलों में से। अब इस पॉइंट पे हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मैं इस पे दम लगाऊंगी अपने चावलों पे। इस तरह से हमें कोई साफ कपड़ा ले लेना है। इस तरह हमें ढक देना है पूरे। अब इस पे हम अपनी प्लेट ढक देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हमें लो कर देना है अब अपनी, और 10 मिनट के लिए अब इसे दम पे रख देना है। अब हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए 10 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए, तो खोल के चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे चावल हो गए हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया है। ये हमारा वाइट पुलाव तैयार है। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं एकदम। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा लजीज वाइट चिकन पुलाव बनके तैयार है, और बहुत इजी सिंपल स्टेप्स में बन जाता है ये, और बहुत ही यम्मी बनता है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।